फ्रेंड्स, हम तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, उसको कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए तो। सरना एथनिक रिसोर्ट। तो हम सरना एथनिक रिसोर्ट जा रहे हैं। कितना किलोमीटर दूर है? 20 10 12 किलोमीटर मेरे घर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में है वो रिसोर्ट। तो आज मैं आपको ब्यूटीफुल रिसोर्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों को ये जगह जल्दी ही दिखाऊंगी करके, मगर किसी कारण से मैं दिखा नहीं पा रही थी। ये देख सकते हैं गाइस, मैं इनको बोल रही हूँ मेरे को कार चलाने दो, तो ये मेरे को दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि ठोक देगी कहीं पे, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और मेरे को कार चलाने नहीं देते हैं, जबकि मैं ठोकूंगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सरना एथनिक रिसोर्ट जसपुर। और अब ऐसे हम एंटर करेंगे, हमारी गाड़ी को ना अंदर में नहीं ले जाने दे रहे हैं ये भैया, और बोल रहे हैं टाइमिंग हो गया, आप लोग नहीं जा सकते। हमने बहुत रिक्वेस्ट की तब इन्होंने जाने दिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ का जो एंट्री है, गेट है, ये वो कुछ ऐसा हुआ है। देखो कितना खूबसूरत चित्रकारी बना हुआ है। ये देख सकते हो इधर भी ऐसे सुंदर सा चित्रकारी बना हुआ है। ये भैया ये लकड़ी का है क्या? पत्थर का। अच्छा, ये पत्थर से बना हुआ है, पत्थर से खोदा हुआ है। आप देख सकते हो ये ऐसे। और चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम अंदर आ गए हैं। अंदर कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी लकड़ी का ही है। अच्छा, ये क्या रूम वगैरह है क्या अंदर? अच्छा, रूम नहीं है ना, ऐसी है। चलो ठीक है फ्रेंड, मैं तो एंट्री कर ली हूँ। वो भैया ना आने नहीं दे रहे थे, बहुत मुश्किल से आने दिए हैं, क्योंकि टाइमिंग हो गया है, 5:30 तक ही यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं आ सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने हमें आने दे दिया। मैं बोली कि मेरे को वीडियो बनाना है भैया, जाने दीजिए प्लीज़, बहुत दिनों बाद यहाँ आने का मुझे मौका मिला है, तो मुझे जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी हूँ तब वो मेरे को आने दिए हैं। देख सकते हो फ्रेंड, इतना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ। ये देखिए ऐसे, अब मुझे बैक कैमरा से ही सारा कुछ आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो मैं अभी तो थोड़ा दूर है, तो चल रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ में। और जिन लोग ना जसपुर के हैं, तो उन लोग तो कभी भी आके देख सकते हैं, है ना। लेकिन जिन लोग बाहर से हैं, जिन लोग मेरे बाहर के फ्रेंड हैं, वैसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ से 400 किलोमीटर रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप कब जाओगे एथनिक रिसोर्ट, कब दिखाओगे करके। तो ये मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए है, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरी किस्मत ही ऐसी है ना कि जब भी मैं घर से बाहर निकलने वाली रहती हूँ, तब ना बारिश होना शुरू हो जाता है और मैं आ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन जैसे ही रुका है तो मैं आ गई हूँ। और यहाँ से मैं यहाँ से ना बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा बैक कैमरे से। ये ऐसे हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको खूब सुंदर सुंदर चित्रकारी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पे कुछ जो है नृत्य कर रहे हैं, देख सकते हो कुछ आदमी लोग। ये देखिए, ये ऐसे नज़दीक जाके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे नदी जैसा कुछ चित्र बना हुआ है, और नाव है, और उसमें है शायद, मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन नाव वाव का कुछ चित्र बना हुआ है। और कुछ महिलाएं नृत्य कर रही है, कुछ आदमी म्यूज़िक वगैरह कुछ बजा रहे हैं, अपना क्या बाजा बोल सकते हैं उसको, इधर भी कुछ ऐसे बजा रहे हैं देख सकते हो। और सुआ जो नृत्य है, उस टाइप से महिलाएं जो नृत्य कर रही है, तो ये कुछ ऐसे ही है। चारों तरफ आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो। और
ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि आपको क्या ही बताऊं। आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और घूम सकते हो यदि आप यहाँ रह। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, सरना लिखा हुआ है ये। और हम अब ऐसे इधर आगे की ओर चलते हैं, आपको और भी खूबसूरती दिखाने वाली हूँ इधर का। तो आप देखिए ये फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कुछ लकड़ियों का बना हुआ है। और ये देखिए, मैं चल रही हूँ तो कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एथनिक रिजॉर्ट। कितना खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो। कॉटेज बना हुआ है, कॉटेज बना हुआ है, तो इसमें तो रुक भी सकते हैं ना। ये जो कोई भी रुक सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप आते हो तो वहाँ यहाँ पे कभी भी रुक सकते हो। ये रुकने का जगह बना हुआ है, ये देख सकते हो। और अंदर तो खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो भैया हम लोग को मुश्किल से ही आने दिए हैं, तो अंदर भी नहीं दिखाएंगे ऐसा कुछ है। तो ये देख लीजिए, और ना शाम हो गई है तो उतने अच्छे से आ भी नहीं रहा है मेरे कैमरे में। ये देखिए फ्रेंड, इतना खूबसूरत है कि आप लोग को दिखा देती हूँ। इनका ना बहुत ज्यादा सहयोग है मेरे वीडियो को मतलब आगे लाने के लिए। तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप बोलो हाय, लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब भर भर के जो खूबसूरती है ना, पूरा जसपुर की जो खूबसूरती है यही आ गई है ऐसे लग रहा है। ये ठहरने के लिए कॉटेज बने हुए हैं और यहाँ पे ना आप आके रुक सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं आगे से आप लोगों को कुछ और अच्छा चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लालटेन है, यहाँ पे कितना खूबसूरती से लालटेन बनाया गया है, ये देख सकते हो। ये ना ऐसे ऐसे ये जो घर ऐसे लग रहा है ना, जैसे जो गांव का जो घर रहता है ना, उस टाइप से कुछ उसी लुक में बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा साफ सफाई है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, ज़्यादा खूबसूरत है। ये ऐसे ठहरने का उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। अब जब भी आओ तो यहीं रुकिएगा क्योंकि शांत वातावरण है, और शहर से दूर भी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। मतलब सुबह सुबह जो माहौल है यहाँ का बहुत अच्छा है, तो कभी भी आकर यहाँ मतलब बाहर से आकर रुक सकते हो। और शायद ये कमरा खुला हुआ है, जाके देखे क्या ठहरा होगा। अच्छा, कुछ प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए स्टेज बना हुआ है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हो। ये देखिए, और यहाँ ये रेस्टोरेंट टाइप का है, यहाँ पे आप खाना वाना जो यहाँ ठहरे रहते हैं ना, उन लोग के लिए खाना वगैरह बनता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो। ये रेस्टोरेंट है और अभी पूरा खाली है। ये देखिए, आप यहाँ पे आके बनी है ये। चले बाहर। और काफी साफ सुथरा है, अभी बारिश हुई है तो और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। यहाँ से निकल, यहाँ से निकल।
तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, अब ये देख सकते हो अब हम लोग घूम लिए और जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा बताइएगा जरूर। और फ्रेंड्स हमने वीडियो बना लिया है और गेट भी बंद कर दिए हैं, यानी अब जाके खुलाएंगे उसको, खुलवाएंगे और हमारा वीडियो बन चुका है फाइनली। तो आप लोग देखिएगा जरूर और कैसे लगा उसको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे ये आपको वीडियो कैसे लगते हैं। मैं इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत से थोड़ा सा थक गई फ्रेंड्स सीढ़ी चढ़ रही थी, इसलिए यहाँ पे ना बहुत से अच्छी अच्छी जगह है। तो मैं आपको यही दिखाने लाऊंगी और भी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।